श्रीलंका को बुरी तरीके से पीट कर अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ गया है। और ये बॉलिंग कार्ड देख के एक चीज और समझ में आती है, जब सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिकल होना काफी नहीं है, विकेट्स चटकाते रहो, आप थोड़े से रन भी अगर खा लेते तो कोई टेंशन नहीं है, विकेट्स लेना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर विकेट्स आती है और इतना ये इकोनॉमिकल सोटू से कार्ड अगर नहीं रहता तो फिर ये रिजल्ट जो है मैच का ये थोड़ा उल्टा होता। लेकिन आज अफगानिस्तान ने जबरदस्त तरीके से ये जो विक्ट्री आज जो स्कोर करी है, और यहाँ पर श्रीलंका को जिस तरीके से इन्होंने ऑल आउट किया, प्रथम निशांका ने 46 रन बनाए, इनफैक्ट श्रीलंका के काफी सारे जो बैट्समैन थे उनको स्टार्ट अच्छी मिली, कुशल परेरा ने 15 बनाए, कुशल मेंडिस ने 39 रन बनाए, समर विक्रमा ने 36, चरित असलंका ने 22, धनंजय डिसिल्वा 14, एंजेलो मैथ्यूज 7, महेश तीक्षणा ने 29 रन बनाए, और ये 29 रन बड़े सही टाइम पर आए थे, 185 रन पर 7 विकेट गिर गए थे श्रीलंका के। लेकिन उसके बाद ये 241 रन का जो श्रीलंका का स्कोर है, ये जो श्रीलंका का जो 241 रन का स्कोर है ये बहुत ज्यादा नहीं बन पाया, तो इसकी एक टेबल पर चलते हैं। इसकी एक वजह है कि क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग हुई और मैन ऑफ द मैच भी जो बने हैं यहाँ पे फजल फारूकी, 4 विकेटें जो उन्होंने निकाली, भाई कमाल एकदम, बिल्कुल तोड़ दिया। तो चलिए पॉइंट टेबल पर चलते हैं क्योंकि पॉइंट टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, भारत नंबर 1 के स्लॉट पर, बाकी सब छोड़ दो, मेरे को टॉप 5 में पाकिस्तान क्यों नहीं दिख रहा है, पाकिस्तान टॉप 5 का प्लेयर, टॉप 5 का देश है नहीं, ये बात अभी नहीं है, तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन इस वर्ल्ड कप की ये जो पॉइंट्स टैली आप प्यार से देखिए, निहारते रहिए, 6 मैच में 6 विक्ट्री के साथ 12 पॉइंट्स लेकर टॉप पर बैठी है, टॉप पर चल रही है, टॉप की टीम है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 6 मैच में 5 जीत, 1 गंदी नेदरलैंड से हार और 10 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका भी बढ़िया खेल दिखा रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में, नेट रन रेट इनका सबसे जबरदस्त है +2.03 का। उसके बाद दो टीमें जो कि 8 पॉइंट्स पर अटकी हुई हैं, न्यूजीलैंड ने 6 मैचों में 4 जीत के साथ 8 पॉइंट्स बनाए हैं, 2 लगातार ये मैच हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया 6 मैच में 4 जीत 2 हार के साथ ये लगातार 4 मैच जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 मैच जीत चुकी है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से पहले 2 मैच ऑन द ट्रॉट हारे थे, अरे ट्रॉट तो इनके कोच है अफगानिस्तान के, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उस जो श्रेणी में वहां पर अफगानिस्तान भी धीरे धीरे आ रहा है, 6 मैचेस में 3 विक्ट्री और ये 3 जो जीत है ये बड़ी जीत है, पहले 2019 के वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड को हराया, फिर उसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप चैंपियन पाकिस्तान को हराया, और आज 1996 के वर्ल्ड कप चैंपियन श्रीलंका को भी बढ़िया फेटी लगाकर ये 6 पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान आज लिखेंगे अपने स्टेटस पे #90sKids, यस सारे 90s के विनर्स को निकाल दिया। लेकिन उसके बाद अब आपको यहाँ नीचे की 5 टीम दिखाते हैं जहां पर श्रीलंका 6 नंबर पर है, 6 मैच में 2 विक्ट्री के साथ 4 ही पॉइंट्स हैं इनके, पर पाकिस्तान की जगह देख लीजिए, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के पॉइंट्स बराबर हैं भाई, 6 मैच में सिर्फ 2 जीत और वो जीत भी छोटी छोटी टीमों के खिलाफ, वो नेदरलैंड्स और श्रीलंका, नेदरलैंड्स और श्रीलंका, और उसके बाद 4 लगातार हार के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देख रहा है, वो भी जाएगा, बस एक मैच की बात है, एक पैर अंदर है एक पैर बाहर है पाकिस्तान का, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। नेदरलैंड्स नंबर 8 पर हैं, 6 मैच से 4 पॉइंट्स हैं, और बांग्लादेश और इंग्लैंड बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए हैं, 6 मैचेस में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं इनके, 1 जीत 5 हार। तो यहां पर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर अगर हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, तो अब जो पाकिस्तान के इतने सारे लोग हैं जो कि ये कह रहे थे कि नहीं जी अभी भी कुदरत का निजाम चलेगा, अभी भी पहुंचेंगे सेमीफाइनल में, कोई कुदरत का निजाम, कोई एक टीम का अगर होता तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे सारी टीमों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वहां वो जीतेगा वहां वो हारेगा, उसके बाद हमें खुद भी तो जीतना है पाकिस्तान को नहीं, और पाकिस्तान तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी मैच यहाँ पर जीतता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इंग्लैंड की टीम जो कि सबसे खराब खेल रही है ऐसा लग रहा है कि वो भी जाते जाते एक लास्ट में चांडा मार कर जाएंगे। उस टाइम पे पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो इसे अपसेट ही कहा जाएगा, भले वो बांग्लादेश के आगे जीते या किसी के आगे भी जीते। बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ा सा ऐसा लगता है, पता नहीं किसकी तरफ अपसेट है, पर ये बात सही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में निकला था, कौन किस पे अपसेट करेगा,
रहा है कि भाई आप पॉलिटिकल जा रहे हो हैं, इधर उधर जा रहे हो। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत गंदा खेल रही हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम इंडिया की, लेकिन आप यकीन मानिए जिस तरह पाकिस्तान की आवाम के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, बांग्लादेश की आवाम के आंसू भी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाते, मैं नहीं देख पा रहा हूँ यार क्यों कर रहे हैं ये इतना गंदा खेल। Z News.